नमस्कार नीमच, नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब मध्य प्रदेश में एक और बड़ी यात्रा निकालने जा रही है और ये जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब कहे इसे या फिर कोई चुनावी यात्रा, इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ जो मध्य प्रदेश के सह प्रभारी है कुलदीप इंदौरा और जो विधायक है कुरान चौधरी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीमच टुडे में आपका स्वागत है। क्या जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब जन आक्रोश यात्रा है, किस तरह की यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में होने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कल बड़ा ही पवित्र दिन है गणेश चतुर्थी का, और वो भी मंदसौर जो एक वो पवित्र स्थल है पशुपतिनाथ जी का, वहाँ से हमने जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। ये किसी के काउंटर के लिए नहीं है, ये शिवराज सरकार के जो हालात पैदा किए हैं, जो परिस्थितियाँ पैदा की हैं, उनके प्रति आक्रोश है। युवाओं के जो बेरोजगारी को लेके जो युवाओं में आक्रोश है, उसको लेके ये यात्रा है। किसान जिन हालातों से गुजर रहे हैं, आज किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कोई सर्वे नहीं। सोयाबीन की जिस तरीके से फसलें आज चौपट हो रही हैं, तो तमाम उन मुद्दों को, किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, तमाम उन मुद्दों को लेकर हम ये जन आक्रोश यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करने का काम करेंगे। लोगों को जिस प्रकार से आज जिला कांग्रेस कमेटी में हमने बैठक की, तमाम हमारे कांग्रेस के लोगों में इस यात्रा को लेकर बड़ा जोश है और सब लोग चाहते हैं कि ये सर जितने घोटाले हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है शिवराज सरकार का, ये उजागर हो। तो इस यात्रा के अंदर क्या जो आम लोग हैं, क्या उनका भी जुड़ाव होगा या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बैनर तले इसको रखा गया है? प्रदेश के अंदर और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन जीतू पटवारी को इस यात्रा का चेहरा बनाया गया है क्या? नहीं, हमारे पूरे प्रदेश में 7 यात्राएँ निकल रही हैं, जिनके जो भी प्रदेश स्तरीय हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय स्तरीय नेता हैं, उन तमाम लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। वर्तमान में जो हमारे इस मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन तमाम 7 यात्राओं का अलग अलग जिम्मा दिया है, जो इनके प्रभार के अंतर्गत ये यात्राएँ चलेंगी। अभी जैसे देखा जा रहा है कि नीमच ज़िले में भी जब जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा की जब निकाली गई, तो उस यात्रा में पत्थरबाजी हुई है और उसका सीधा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने उन यात्राओं पर पथराव किया है, जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री सब भी लोग उसमें मौजूद थे। देखिए, जनता आक्रोशित है, कोई किसी को कहकर कोई पत्थरबाजी नहीं करवा सकता। यहाँ की जनता, आदिवासी पे जिस प्रकार से अत्याचार सरेआम हो रहे हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं, पेशाब कर दिया जाता है, गाड़ी से घसीट कर उसे मार दिया जाता है, आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार करके दफना दिया जाता है। जब ये सब मामले उठाए जाते हैं, तब जाकर उस पर कार्रवाई होती है। तो क्या शिवराज सरकार सो रही है? ये सब आक्रोश है लोगों में। किसान अपनी बात कहना चाहता है, अपनी मांग मनवाना चाहता है, जब सुनाई नहीं होती तब आक्रोश पैदा होता है। तो ये हालात पैदा हो गए, शिवराज के मंत्री, शिवराज के लोग जहाँ जाते हैं, लोग इनके गले पड़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, ये हमें कोई किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ युवा नेता जो है कुरान चौधरी, विधायक भी है, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या गेम चेंजर साबित होने वाली है जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश में? क्या बिल्कुल स्पष्ट है, जो जनता का आक्रोश है सड़क के ऊपर आ रहा है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का जनता मन बना चुकी है। ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद जरूर देगी, पर विदाई का आशीर्वाद जनता देना तय कर चुका और जनता इन्हें जवाब देगी। और ये आक्रोश आप देखेंगे कि जनता का सड़कों भी फूटेगा और वोट के अंदर। किन मुद्दों के साथ कांग्रेस ये जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है, क्या अहम मुद्दे रहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनता को ठगने का काम किया, करोड़ों रुपए के रोज विज्ञापन देखता है कि सीखो कमाओ योजना के, आप बताओ एक नौजवान को पैसा मिला हो तो, 450 गैस की टंकी एक को मिली हो तो बताने का काम कर दो। वो किसान जिसको कमलनाथ जी के समय यहाँ पे 100% मुआवजा मिला था, आज फसल ख़राब है, किसका क्या स्थिति है? ना फसलों के दाम ये दे पा रहे हैं, ना नौजवान को रोज़गार दे पा रहे हैं, ना गरीब को महंगाई से निजात दिला पा रहे हैं। स्पष्ट है इसके खिलाफ का ये जन आक्रोश है और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। ये थे हमारे साथ युवा नेता कुरान चौधरी और सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, आप देख सकते हैं कि जन आक्रोश यात्रा जो है वे कल नीमच ज़िले में आने वाली है, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है और तमाम जो नेता आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर ही 40 चौराहे पर इस वक्त यहाँ पर जो है जन आक्रोश यात्रा की सभा भी होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।